तो ठीक है, देखिए यहाँ पे ओवम ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे अपने लास्ट क्लास में कि ओवम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो ओवम के बारे में हम लोग टॉपिक्स इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ओवम के डायग्राम में ही सारी बात छुपी हुई है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन अगर राइज हो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवम, क्या होगा बताइए। ओवम क्या करता है, स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाता है, जायगोट बनाता है। ओवम फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, ओवरी में होता है, ओवरी में ओवम बनता है। तो चलिए यहां तक का कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है आपका काम वो आपको ये करना है कि ओवम का डायग्राम आप ऑलरेडी बना चुके हैं, उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि ओवम में कितनी बाउंड्रीज होती है, कितनी बाउंड्रीज से क्या है ओवम प्रोटेक्टेड है। तो थ्री बाउंड्रीज आर देयर, पेरिविटलीन मेम्ब्रेन, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडियाटा, ये तीन है जो ओवम को घेर के रखती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो फीमेल के बॉडी में होने वाली एक सबसे इंपॉर्टेंट साइक्लिक इवेंट है। क्यों कहते हैं हम साइक्लिक इवेंट, क्योंकि इसका एक ऑर्डर बना हुआ है, ये एक ऑर्डर में ही चलेगा और वापस अपने उस ऑर्डर को पूरा करेगा। बीच में उसमें किसी भी तरह का कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, बीच में कोई उसका ऑर्डर क्या होगा चेंज नहीं होगा। इसका जो एक सीक्वेंस बना हुआ है उसी सीक्वेंस में इसको कंप्लीट होना है। तो टॉपिक क्या है अपना, मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन मेंस्ट्रुअल में ये जो वर्ड है मेंस्ट्रुअल, इसको लिया गया मेंसम से। मेंसम का मतलब ही होता है मंथ। क्या मतलब होता है इसका, मंथ यानी कि वन मंथ। तो ये फीमेल के बॉडी में वन मंथ तक कंटिन्यूअसली चलने वाली साइकिल होती है, जिसमें ये जरूरी नहीं है कि हर एक डे को एक प्रेशर के तहत लिया जाए। विमेन की बॉडी में ये अपना एक कंडीशन मेंटेन रखती है, जिसमें विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर और एक्स्ट्रा सेंसेशन ये बॉडी में हमारे चलता रहता है और हमें इसका एनालाइजेशन नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, एक फेज है इसका मेंस फेज, जो सबसे पहला फेज है, जिस वक्त मेंस्ट्रुअल ब्लीड बॉडी से बाहर आती है, एट दैट टाइम अ गर्ल कैन रियलाइज द इवेंट। उस समय एक गर्ल जो है वो उस इवेंट को रियलाइज कर सकती है। तो देखिए ये कहा गया कि ये मंथ तक चलती है और इसीलिए हम कहते हैं इसको साइक्लिक इवेंट। ये एक साइक्लिक इवेंट है जो एक से लेके 28 दिन तक कंटिन्यूअसली चलती रहती है, यानी कि एक फीमेल के बॉडी में एक से लेके 28 दिन तक कंटिन्यूअस चलने वाली होती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस साइक्लिक इवेंट को अगर हम बेसिकली बांटे तो स्टार्टिंग टाइम इसका एक होता है जिसको हम कहते हैं मेनार्क, एंड एक इसका सीज टाइम होता है जिसको हम कहते हैं मेनोपॉज। क्या कहते हैं, मेनोपॉज। तो जो मेनार्क है, मेनार्क इज द स्टार्टिंग एज, जब किसी फीमेल के बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, देन इट इज नोन एज मेनार्क। और वो एज बताया गया है अप्रॉक्स 10 टू 12 इयर्स ऑफ एज। इस टाइम तक डेफिनेटली है कि किसी भी फीमेल बेबी गर्ल में, फीमेल गर्ल में ये चीज शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट इज मेनोपॉज, जब ये रुक जाती है, पॉज मतलब रुक जाना, ठीक है। तो ये होता है इसका सीज एज, यानी के जिस वक्त ये सीज करेगी, एंड द एज टेकन इज 45 to 50 इयर्स अप्रोक्स। तो यानी के 45 से 50 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो सीज कर जाती है एक फीमेल के बॉडी। उसी तरह से अभी जो नेक्स्ट टर्म है आपका वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में क्या डिफरेंस है, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बारे में ये बात फिक्स है कि ये ह्यूमन फीमेल के अलावा जो हमारे प्रीमेट्स हैं, ठीक है, जो प्रीमेटा फैमिली है, प्राइमेटा फैमिली, प्रीमेट्स जिसको हम कहते हैं, जैसे मंकी, चिंपैंजी, एप्स, गोरिल्ला एटसेट्रा, उनमें भी यही साइकिल होती है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। दूसरा है आपका ईस्ट्रस साइकिल। ईस्ट्रस साइकिल भी फीमेल्स में होती है, लेकिन ये होता है नॉन प्रीमेट्स में। नॉन प्रीमेट्स मतलब जैसे काउज हो गए, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, गोट हो गई, ठीक है। तो जितनी भी एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स हैं जो कि फीमेल हैं, उनके बॉडी में ये साइकिल होती है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल का पहला डिफरेंस क्या बोला गया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो प्रीमेट्स में होती है, मंकी, चिंपैंजी एक्सेट्रा बिल्कुल सेम, और जो ईस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्रीमेट्स में होती है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रिजल्ट है,
ये एक मेंस्ट्रुअल ब्लीड के फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीड, और शॉर्ट में हम उसको कहते हैं मेंस। ठीक है, तो मेंस के फॉर्म में ये हमारे बॉडी से क्या होता है, रिलीज होता है। लेकिन ईस्ट्रस साइकिल में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड या मेंस्ट्रुअल ब्लीड जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज नहीं होती है, वो इनसाइड ही इम्बेड कर जाती है, जो फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में या हार्मोनल सीक्वेंस में अपने आप को यूटिलाइज कर लेती है। तो इनके बॉडी से कोई भी तरह का मेंस्ट्रुअल ब्लीड फ्लो बाहर नहीं होता है, बट इनमें मेंस्ट्रुअल ब्लीड एक मेंस फॉर्म के तरह बॉडी से रिलीज होती है। तो दिस इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ईस्ट्रस साइकिल, ये दो डिफरेंस आपको लिखना होगा। तो अगर हमें डेफिनेशन के लिए पूछना हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर के हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक साइक्लिक इवेंट है जो फीमेल एंड प्रीमेट्स में देखी जाती है, जैसे कि मंकीज, चिंपैंजीज एक्सेट्रा, और ये एक साइक्लिक इवेंट है जिसमें के फीमेल बॉडी में कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, जिसमें यूट्रस एंड ओविडक्ट दोनों में कुछ चेंजेस होते हैं, और चेंजेस जो है वो मेंस्ट्रुअल ब्लीड के फॉर्म में रिजल्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि इट इज अ साइक्लिक इवेंट। सो वी कैन राइट द डेफिनेशन हियर, इट इज अ साइक्लिक इवेंट, इट इज अ साइक्लिक इवेंट ऑकर्स इन फीमेल एंड सम प्रीमेट्स लाइक मंकी, एप्स एटसेट्रा, in which some reproductive changes takes place and results in menstrual bleed, or we can commonly call it mens. So this is the menstrual cycle, कि menstrual cycle एक cyclic event है, एक क्रमबद्ध cycle है, यानी कि क्रम में चलने वाली घटना है, जिसमें बहुत सारे primates, जो कि हमारे primates, monkey, apes वगैरह जो है, उनमें भी ये cycle होती है, और इसमें reproductive changes होते हैं, और reproductive changes result करते हैं menstrual bleed के form में. So this is all about the menstrual cycle. Now, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होती है, पर उसके लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, दीज आर हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तभी जाकर के ये साइकिल या फीमेल की बॉडी का कोई भी प्रोसेस पूरा हो पाता है। तो लेट अस कंसीडर द हॉर्मोनल कॉन्सेप्ट अबाउट द फीमेल। So let us consider the hormonal concept about the female. Now, hormonal concept. ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं हम अपना हार्मोनल कॉन्सेप्ट, जो कि फीमेल के बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, हार्मोनल कॉन्सेप्ट में जो स्टार्टिंग होती है, दैट ऑकर्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से शुरू होता है, और हाइपोथैलेमस रिलीजेस GnRH। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको GnRH कहते हैं। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द फुल फॉर्म, गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। इट इज गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये पिट्यूटरी को पहुंचता है। It stimulates or it is received by the pituitary gland, और जब ये pituitary को मिलता है, pituitary and when it is received by pituitary, then pituitary gland जो है वो दो new hormone form करती है, one is FSH and another is LH। एक हो गया हमारा FSH और दूसरा होता है हमारा LH। तो ये दो hormone form करती है हमारी pituitary gland। अब ये FSH और LH, ये दो हमारे पास हार्मोनल हार्मोन्स हैं, ये दो हमारे पास हार्मोन्स हैं। नाउ FSH इज द फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन एंड LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन।
तो अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफएसएच, एफएसएच करता क्या है। एफएसएच अपनी एक्टिविटी ग्रैन्यूलोसा सेल पर क्रिएट करता है, ग्रैन्यूलोसा सेल पर ये अपनी एक्टिविटी करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि इट इज फॉलिक्यूलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल सबको स्टिम्युलेट करेगा और ओजेनेसिस में हेल्प करेगा। तो हमने ओजेनेसिस में पढ़ा था कि हमारे जो फॉलिकल्स हैं उनके साथ अटैच होती है ग्रैन्यूलोसा सेल, तो ये सबसे पहले टारगेट करता है ग्रैन्यूलोसा सेल को ताकि ग्रैन्यूलोसा सेल जो है वो 100% नरिशमेंट दे सके और 100% इसके जरिया ही ग्रैन्यूलोसा सेल के जरिया ये हमारे फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं। और अगर ग्रैन्यूलोसा सेल्स के से ये रिलेटेड है तो ग्रैन्यूलोसा सेल विल अल्टीमेटली हेल्प्स इन कंप्लीशन ऑफ ओजेनेसिस। तो ये फाइनली एफएसएच जो है वो ओजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर रहा है बट बाय द हेल्प ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल। एफएसएच पार्टिसिपेट कर रहा है ओजेनेसिस में लेकिन इसका जो सोर्स है वो ग्रैन्यूलोसा सेल है क्योंकि ग्रैन्यूलोसा सेल हर एक फॉलिकल के साथ अटैच रहती है और इनके द्वारा ही ओजेनेसिस में आसानी होती है। दैट इज वाई एफएसएच हेल्प्स इन ओजेनेसिस। नाउ we are coming on to LH, that is luteinizing hormone. और LH जो होता है हमारा ये LH थीका सेल पर अपनी एक्टिविटी क्रिएट करता है। LH works on थीका सेल, क्यों? क्योंकि थीका सेल जो होती हैं जैसे ही LH के इफेक्ट में आती हैं they start producing androgen. This is the most important case कि थीका सेल androgens बनाती हैं, but जैसे ही androgens बनते हैं इन androgens को कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल। एंड्रोजेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन, एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये कन्वर्जन होता है बाय द हेल्प ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल। हियर वी कैन राइट ग्रैन्यूलोसा सेल कन्वर्ट्स एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन। तो एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन यानी कि एंड्रोजन को कन्वर्ट कर दिया गया है एस्ट्रोजन में बाय द हेल्प ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल। तो यहाँ पे हमने दो केसेस देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड आफ्टर रिसीविंग जीएनआरएच फॉर्म्स टू हार्मोन एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच ग्रैन्यूलोसा सेल पर एक्टिविटी करती है और ओजेनेसिस हमारा कंप्लीट होता है और एलएच जो है वो थीका सेल पर एक्टिविटी करती है और हमारे जो एंड्रोजेंस को फॉर्म करती है और एंड्रोजेंस को तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाता है एस्ट्रोजन में बाय द हेल्प ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल। तो यहां से हमें एक रिजल्ट समझ आ रहा है, वी आर हैविंग वन रिजल्ट कि अगर हाई कंसेंट्रेशन है, इफ देयर इज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, अगर एस्ट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है देन इट इज शोइंग अ पॉजिटिव फीडबैक। ये हमें एक पॉजिटिव फीडबैक दे रही है फॉर एलएच। अगर एस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो इसके जरिया हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है एलएच के लिए, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे पे के साथ डिपेंडेंट है, इट इज गिविंग अस अ पॉजिटिव फीडबैक। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ estrogen gives us the positive feedback and along at the same time vice versa LH agar estrogen ka jo concentration hai wo low hoga to it will be a negative feedback about the LH. to ye ek conclusion humne yahan se draw kiya ki LH aur estrogen are related, to पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन की कंसेंट्रेशन जितनी हाई होगी उतना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक होगा एलएच का और अगर लो होती है तो उतना ज्यादा निगेटिव फीडबैक होगा एलएच का। तो दिस इज द पॉइंट। नाउ वी हैव प्रोसीडेड विथ वन हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। आप जानते हैं जैसा कि फीमेल बॉडी में दो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। टिल नाउ वी हैव रीच्ड एस्ट्रोजन, हम एस्ट्रोजन तक अपनी जर्नी को पूरा कर चुके। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि एस्ट्रोजन जो है वो आगे की प्रोसेसिंग क्या होगी, हाउ वी आर गोइंग टू गेट, कैसे हमें मिलने वाला है प्रोजेस्टेरॉन। सो वी आर नाउ प्रोसीडिंग। तो एस्ट्रोजन को लेके देखते हैं अब आगे कि एस्ट्रोजन का नेक्स्ट फंक्शनिंग क्या होता है। सो वी आर हैविंग एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज्ड है, ये बहुत ज्यादा बन रही है।
तो एक फीमेल बॉडी में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेज में वो होती है, जब उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही होती है, तो उस समय 14वां दिन जो होता है उनका, 14th डे जो होता है, उसमें वो LH अपने पीक पे होता है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेप वाइज दिखाएंगे। 1 to 28 डेज की जर्नी मिलेगी आपको जो हमारा वीडियो होगा नेक्स्ट, जिसमें हम सारे स्टेजेस और सारे जितने भी फेजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के उनको डिस्कस करेंगे। नाउ एस्ट्रोजन के हेल्प से हो जाएगा ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजेन ने ओव्यूलेशन में सपोर्ट किया। हियर वी हैव द ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन यहां हो चुका है, और ओव्यूलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी LH पीक की होती है। LH पीक, और आप रिकमेंड कर सकते हो 14th डे ऑफ साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है उस दिन LH अपने पीक पर होता है, और जिसके वजह से एस्ट्रोजन का इंक्रीमेंट होने से ओव्यूलेशन इजी हो गया। ओव्यूलेशन के बाद आपने ओजेनेसिस, हमारे वीडियो में ये देखा था कि ओजेनेसिस के बाद जो हमारा ओजेनेसिस होता है और जो हमारे सेकेंडरी फॉलिकल्स होते हैं, वो जो ओव्यूलेशन के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाती है, तो उसके बाद उसमें कुछ सेल्स बच जाते हैं। तो हमने ये चीज देखी कि हमारा जो ओजेनेसिस हो रहा था उसमें जब सेकेंडरी ओसाइट ओवम की बाउंड्री से रिलीज हो जाती है तो कुछ सेल्स बचे पड़ जाते हैं जो कि ओवरी के अंदर रह जाते हैं। तो ओव्यूलेशन के बाद कुछ सेल्स बचते हैं, एंड दो सेल्स आर थीका सेल प्लस ग्रैन्यूलोसा सेल। तो ये कुछ थीका सेल्स और ग्रैन्यूलोसा सेल्स आफ्टर ओव्यूलेशन सेकेंडरी ओसाइट आ जाने के बाद वहां पे उस फॉलिकल के अंदर रह जाते हैं, और ये दोनों मिलकर के फॉर्म करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। दे फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करता है प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस ल्यूटियम मेनली फॉर्म्स प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ एस्ट्रोजेन हमें मिल चुकी थी बाय द हेल्प ऑफ LH, और एस्ट्रोजेन की मदद से ओव्यूलेशन हुआ जब LH अपने पीक पर है, और ओव्यूलेशन के बाद सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद थीका और ग्रैन्यूलोसा बचे, और इन्होंने बनाया कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम से हमें मिला प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के साथ कुछ कंसंट्रेशन एस्ट्रोजेन की शामिल होती है, हमें प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजेन मिले। तो दीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द लाइनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है। रिमेंबर इंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस की 3 walls में इनर मोस्ट वॉल होती है, तो वो उसको मेंटेन रखता है। और उसके अलावा देयर इज अ नेगेटिव रिस्पॉन्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम ऑल्सो, इट फॉर्म्स इनहिबीन। ये इनहिबीन फॉर्म करते हैं, और इनहिबीन एक निगेटिव रिस्पांस डालता है, और इनहिबीन जो है वो फाइनली धीरे धीरे FSH और LH को टेक ओवर कर लेता है, अरेस्ट कर देता है। FSH और LH अरेस्ट हो जाते हैं बाय इनहिबीन, और उनके अरेस्ट होने से सारे के सारे प्रोसेस में एक गैप होती है, यानी कि जो हमारा FSH वर्क कर रहा था वो रुकेगा। LH भी इनहिबीन के जरिए अरेस्ट कर दिया जाता है, जिसके वजह से एस्ट्रोजन की लेवल घट जाएगी, और एस्ट्रोजन घटने से फिर कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में इश्यूज होंगी, और क्योंकि ये दोनों रिलेटेड है, और कॉर्पस ल्यूटियम से फिर प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, एंड वापस इंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो ब्रेक कर जाएगी, दैट विल गेट स्लफ ऑफ। तो ये सारा इवेंट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे कहाँ पे क्या प्रोसेसिंग होती है। अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट था हॉर्मोनल, जिसमें एक बैकअप के तौर पर आपको मैं बता दूं कि हमें हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिया 2 स्पेशल हॉर्मोन्स मिलते हैं, FSH एंड LH। FSH जो होता है वो ओजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है, वेयर एज LH जो है वो ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है बाय द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन फॉर्मेशन। और ओव्यूलेशन के बाद हमें कॉर्पस ल्यूटियम मिला, और कॉर्पस ल्यूटियम से हमें प्रोजेस्टेरॉन मिला, और प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजेन बोथ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइनिंग ऑफ इंडोमेट्रियम। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजेन के अलावा हमें इनहिबीन मिलती है, और दिस इज अ नेगेटिव फैक्टर, और ये इनहिबीन FSH और LH को अरेस्ट करती है जब हम वापस की तरफ मूव करते हैं,
तो जिससे हमें सारे हार्मोन्स मिल रहे थे अब वो अरेस्ट हैं, इसका मतलब हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी और इंडोमेट्रियम की लाइनिंग में इश्यूज क्रिएट होंगी जिसके वजह से वो डिजेनरेट कर जाएगी एंड अगेन द फीमेल विल अंडरगोज द मेंस फेज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्राफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विच ऑल द थ्री फेजेस विल बी गिवन. थैंक यू.